तो गाइस आपने दौलतराम कॉलेज का नाम सुना है? सुना ही होगा। तो आज तुम्हें वहाँ ले भी चलते हैं। ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का विमेंस कॉलेज है। मैंने कहा विमेंस कॉलेज है। तो हमारी एंट्री कैसे हुई, तो ये सुनिए। ड्यू के किसी भी कॉलेज में हमारी एंट्री नहीं रुकती। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं दौलतराम में, और ये सारे अपने भाई लोग भी आए हैं यहाँ पे। भाई लोग कैसा लग रहा है तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में? भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी एंटर हुए हैं, देखा भी ना कॉलेज ने। चलो दिखाते हैं, ये भाई याद है तुम्हें? सब्सक्राइब टू इंडियन एरिक वाला। चलो गाइस दिखाते कॉलेज। तू क्या कर रहा है भाई गर्ल्स कॉलेज में? अरसों की परियों का मेला है। ये तो है, एक फीलिंग रहती है भाई गर्ल्स कॉलेज कैसा होता है, लाइक वो ऐसा होता है भाई। चारों तरफ लड़कियों के मुझे चेहरे देखने को मिलते हैं। ये लाइब्रेरी है गाइस, और बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है। लाइक मैं कर दूंगा पानी पानी, याद दिला तू बनानी नानी नान, मैं कड़क तुझे के लफगानी, बस कर लगानी। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजर तिरछी, शक्ल फिरनी, हरकत फिल्मी, गर्ल डू यू फील मी। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजर तिरछी, शक्ल फिरनी। बहुत ही प्यारा झूला भैया हमारे में होता ना, तो भाई कब का डूब चुका होगा। गार्डन गार्डन हो गया। इन जैसे लड़के ना कम से कम 5-6 चढ़ते हैं एक ही बार में, टूट के अलग। अच्छा वो गाइस ये झूला रामनाथ में नहीं है, रामनाथ में नहीं है भाई, शुक्र मना। मेरी ऑडियंस को जानना है कि आपका सीयूटी स्कोर कितना था? लाइक मेरा 720 समथिंग था। 720? हाँ। और कोर्स कौन सा है अपना? पॉल साइंस ऑनर्स। पॉल साइंस 755 था मेरा पॉल साइंस। 755 पॉल साइंस पर? Yes. बहुत ही अच्छा स्कोर किया यार आपने तो। अच्छा ये बताओ कॉलेज कैसा रिव्यू, मतलब नहीं अच्छा है ओवरऑल गर्ल्स कॉलेज, एंड कैसा फील हो रहा है तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में आके? अच्छा ये भाई गर्ल्स है और सारा ठीक है, बस गर्ल्स है। नॉर्थ कैंपस वाली फीलिंग आती है यहाँ पे, मतलब डीयू वाली वाइब आती है? हाँ आती है, अगर सोचे कि लोगों को पता है ना कि डीआरसी बहुत अच्छा कॉलेज है, बाकी कुछ फ्लॉज हैं पर बाकी ओवरऑल अच्छा है कॉलेज। अच्छा है, सच में बता रहे हो? बीकॉम ऑनर्स जनरल में कितना चाहिए गा? 767 नहीं मिल सकता है, लाइक अभी क्या सीयूईटी में थोड़ा सा गड़बड़ी थी, वो तो 500 वालों को मिला था, 700 वालों को भी मिला था। लाइक 715 ढूंढ रहे हम कहाँ मिले। देखो अगर आप लोगों को वाइब चाहिए तो आप बाहर एक्सप्लोर कीजिए, कैंपस घूमिए और बाकी कॉलेजेस की घूमिए। ये है कि मतलब जो ड्यू का पूरा कैंपस है ना नॉर्थ वाला, एक्सप्लोर करो, मजा आ जाएगा। 9 बजे से 5 बजे तक गया हो तो आपने क्लास कितनी करी? 2 या 3? हां हमारे साथ भी है ये। बीच में आप कौन से कॉलेज से? हम रामदास। वो टेंशन मत लो, हमें भी मौका हिंदू स्टीफंस एसआरसीसी घूम गया तो समझ लो कि आपने सारे घूम लिए। डीआरसी मिल जाएगा इको। अरे हिंदू भी मिला है किसे क्या मतलब भाई, लड़कियों को मिल जाता है। हाँ लड़कियों का नहीं यार, आरक्षण है लड़कियों का, गर्ल्स के लिए। हाँ मिल जाता है, केवल गर्ल्स के लिए। कॉलेज में बीए प्रोग्राम 153 पे मिला। 153?
भाई कुछ मतलब ये CUET के साथ थोड़ा सा पंगा हुआ है ना इसी साल जो CUET हुआ है ना, क्या है कि हमारे कॉलेज में मैंने देखा है और ये भी बता रही है कि यहाँ पे ना 153 नंबर हुआ है और नॉर्थ कैंपस में ये वाला कॉलेज मिला है उसको OBBA प्रोग्राम में। एंड पता नहीं क्या हुआ है इस साल जो 23 वाला उसमें थोड़ा सा नंबर ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, स्कोर विस्कोर आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी जब ही मिल पाएगा। पिछली बार तो बस ट्राई था कि कैसा होता है CUET और इस बार उन्होंने देख लिया है तो बहुत ही हैवी तरीके से होगा। तो गेट रेडी फॉर द 23 ओके, लाइक कोर्स के साथ अपना CUET स्कोर होना। आई एम पर्सुइंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करंटली फ्रॉम द दौलत राम कॉलेज एंड माय CUET स्कोर वाज 761.7 आउट ऑफ 800। आई एम अलीशा फ्रॉम BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स एंड माय स्कोर इज 630। आई एम श्रुति ठाकुर पर्सुइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम दौलत राम कॉलेज, माय CUET स्कोर वाज 560 आउट ऑफ 700। इंग्लिश ऑनर्स 729 आउट ऑफ 800। मार्क कृति मिश्रा, आई एम पर्सुइंग BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड माय स्कोर वाज 764.8 आउट ऑफ 800। आई एम सोनिका एंड आई एम पर्सुइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दौलत राम कॉलेज एंड माय स्कोर वाज 729 आउट ऑफ 800। रिव्यू कैसा लगा, लाइक आपको फील कैसा है कॉलेज का, रिव्यू दे सकते हैं आप? इसका अपडेट हुआ था, रामजस में था पहले फिर इंदु, तुमने अपडेट नहीं दबाया था? इंटरनल और असाइनमेंट का नाम सुन के आपके मन में क्या आया था सबसे पहले? भाई कैसा लग रहा है तुम्हें कॉलेज में? मतलब यार ठीक है, अब क्या ही बताएं, क्या लड़कियां अपने आप भी सुना रही हैं यार, बहुत दुख है भैया। कि वुमेन्स कॉलेज में सूखा रहता है लड़कियों के लिए, तो आप सब देख सकते हैं रामजस हिंदू खोले आपके लिए, कुछ काम नहीं है बस झूले पे झूलते हैं। रामजस आपको बहुत तहे दिल से वेलकम करता है मेरी ओर से, ठीक है? जिंदाबाद। सो फाइनली गाइस, कॉलेज काफ़ी अच्छा था और आपको पता है कि गर्ल्स कॉलेज में थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ आपको बॉयज़ नहीं मिलने नज़र आएंगे। बाकी का अगर आपको फुल फोकस्ड रहना है पढ़ाई पर तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत सारी आती रहेंगी अच्छी।